प्यारे बच्चों नमस्ते। बच्चों तुम्हें झूला झूलना कैसा लगता है? मुझे पता है तुम सबको झूला झूलना बहुत पसंद होगा। अच्छा बताओ तुम ये झूला कहाँ कहाँ देखते हो? सही कहा तुमने, बाजार में, बगीचे में या फिर मेले में। बच्चों मेले को छत्तीसगढ़ी में मड़ई भी कहते हैं, है ना? अच्छा बच्चों बताओ तुम्हें मेला जाना कैसा लगता है? मज़ा आता है ना? तुम तो मेला जाकर बहुत सारे काम करते होगे, जैसे झूला झूलना, मिठाइयाँ खरीदना, खिलौने खरीदना। हाँ, क्योंकि मेले में बहुत सारी अलग अलग दुकानें लगी होती हैं, जैसे मिठाइयों की दुकानें, खिलौने की दुकानें, कपड़े, चूड़ियों, इस तरह के अलग अलग सामानों की बहुत सारी दुकानें मेलों में होती हैं। वहाँ बहुत सारे खेल तमाशे भी होते रहते हैं। तो चलो आज मैं भी तुम्हें एक ऐसी ही कविता पढ़कर सुनाती हूँ जो तुम्हारे कक्षा पहली के पाठ 13 मेला में है। आओ इस कविता को पढ़कर जाने कि बच्चे मेला जाकर क्या क्या कर रहे हैं। तो बच्चों कौन सा पाठ है ये? पाठ 13 मेला। ध्यान से सुनना, मैं कविता तुम्हें गाकर सुना रही हूँ। मेले में झूला, झूले में हम, जोर से झूलाओ नहीं डरेंगे हम। मेले में झूला, झूले में हम, जोर से झूलाओ नहीं डरेंगे हम। मेले में सर्कस देखेंगे हम, खाएंगे मिठाई घूमेंगे हम। मेले में सर्कस देखेंगे हम, खाएंगे मिठाई घूमेंगे हम। बच्चों कैसी लगी तुम्हें यह कविता? आओ अब यह कविता तुम मेरे साथ दोहराओ। मेले में झूला, झूले में हम, जोर से झूलाओ नहीं डरेंगे हम। मेले में सर्कस देखेंगे हम, खाएंगे मिठाई घूमेंगे हम। बच्चों अब यह कविता तुम पुस्तक से भी पढ़ना। आओ बच्चों अब इस कविता का हम अर्थ समझते हैं। पहली दो पंक्तियों का अर्थ है, मेले में झूला, झूले में हम, जोर से झूलाओ नहीं डरेंगे हम। कविता की इन पंक्तियों का अर्थ है कि बच्चे मेला गए हैं और मेले में झूला देखकर कह रहे हैं कि हम झूला झूलेंगे और हमें जोर जोर से झूलाओ और हम जोर से झूलाने से भी नहीं डरेंगे। अगली पंक्तियों को देखो, मेले में सर्कस देखेंगे हम, खाएंगे मिठाई घूमेंगे हम। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, बच्चे कहते हैं मेले में सर्कस भी आया हुआ है और हम सर्कस देखेंगे, मिठाइयाँ भी खाएंगे, मेला घूमेंगे और तरह तरह के सामान खरीदेंगे। मज़ा आया ना बच्चों? आओ अब इस पाठ से जुड़े हम कुछ गतिविधियाँ करते हैं। इसमें देखो प्रश्न है, चित्र देखकर पढ़ो और समझो। इस गतिविधि में हम ए की मात्रा को समझेंगे। देखो यहाँ दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहला चित्र है सर्कस का, इसमें ताली बजाकर देखो इसकी पहली आवाज़ क्या है। स र क स, पहली आवाज़ क्या है? शाबाश, इसकी पहली आवाज़ है स। दूसरा चित्र देखो, इसमें सेब का चित्र है और इसकी पहली आवाज़ क्या है बच्चों? से ब, इसकी पहली आवाज़ है से। तो देखो जब स लिखते हैं तो स इस तरह से है और जब स में ए की मात्रा लग जाती है तो देखो यहाँ पर से ऐसे लिखा जाता है। अगला चित्र देखो, रथ, इसकी पहली आवाज़ क्या है? र थ, र पहली आवाज़ है। और अगला चित्र है रेल, तो रेल की पहली आवाज़ क्या है बच्चों? रे ल, रे है पहली आवाज़। अब देखो र, र में जब हम
ए की मात्रा लगा देंगे तो रे ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला देखो। यहाँ पहला चित्र है ठठेरा। इसमें पहली आवाज क्या है? ठ ठे रा। पहली आवाज ठ, देखो ठ ऐसे लिखा जाता है। अगला चित्र ठेला। इसकी पहली आवाज ठे ला, देखो इसमें ठे इस तरह से लिखा जाएगा। आओ बच्चों, अब हम ए की मात्रा वाला अभ्यास कार्य करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, इन शब्दों पर ए की मात्रा लगाकर पूरा करो। अब देख रहे हो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, कौन कौन से शब्द हैं ये? इनमें हमें किसी भी वर्ण पर ए की मात्रा लगाना है। आओ देखो ये कौन कौन से शब्द हैं। ये शब्द हैं सब, कला, रल, ठला, खत, खल, तल और सठ। जब इनके पहले अक्षर पर हम ए की मात्रा लगाएंगे तो ये शब्द बनेंगे सेब, केला, रेल, ठेला, खेत, खेल, तेल और सेठ। ठीक है बच्चों, चलो अब हम इसी तरह से ए की मात्रा को भी समझते हैं कि यदि वह किसी वर्ण पर लगता है तो उसका उच्चारण किस तरह से होता है और वो कैसे लिखा जाता है। तैयार हो बच्चों? तो आओ करते हैं हम अगली गतिविधि। यहाँ देखो, चित्र देखकर पढ़ो और समझो। पहला चित्र है पतंग। इसकी पहली आवाज क्या है? प तंग ग, मतलब पहली आवाज प है। अगला चित्र पैर का है। इसकी पहली आवाज पैर, पै है इसकी पहली आवाज। तो पहले पतंग वाले प में देखो, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, और पैर वाले प में देखो यहाँ पे आए की मात्रा लग गई, तो इसे हम पढ़ेंगे पै। ठीक है, अगला चित्र देखो बटन। बटन की पहली आवाज ब ट न, ब है पहली आवाज इसमें। दूसरा चित्र देखो बैल। बैल की पहली आवाज ब ल, ब है। तो ब में जब कोई मात्रा नहीं लगी है इसे ब पढ़ रहे हैं, और जब बैल के पहले आवाज में ऐ की मात्रा लग गई तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे और ब पढ़ेंगे। ठीक है, अगला चित्र देखो मटका। मटका में पहली आवाज म ट का। ठीक है बच्चों, इसकी पहली आवाज में कोई मात्रा नहीं है इसलिए इसे हम म पढ़ेंगे। अगला चित्र देखो मैना। मैना की पहली आवाज मैना। अब यहाँ देखो म में जब ए की मात्रा जुड़ गई तो इसे हम पढ़ रहे हैं मैं, और देखो इस तरह से लिखा जाता है मैं। आओ बच्चों, अब हम ए की मात्रा से जुड़े हुए कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। इसमें प्रश्न है, इन शब्दों पर ए की मात्रा लगाकर पूरा करो। कौन कौन से शब्द हैं वो? पर, बल, मना, पसा। ठीक है, जब देखो इनके पहले वर्ण पर ए की मात्रा लगेगी तो ये शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? पैर, बैल, मैना, पैसा। ठीक है बच्चों, आओ बच्चों अब मैं तुम्हें कुछ गृह कार्य देती हूँ। इसका पहला प्रश्न है, दिए गए अक्षरों को बोलकर लिखो और पढ़ो। तो ये कौन कौन से अक्षर हैं? ये अक्षर हैं जे जय, गे गए, ले लय, के कय, ने नय, ते तय। आओ अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि इन्हें हम कैसे लिखेंगे और कैसे बोलेंगे। ठीक है, आओ बच्चों अब हम वर्णों में ए और ए की मात्रा को जोड़कर लिखने और पढ़ने का अभ्यास करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा ज, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है ज में, लेकिन जब हम ज में ए की मात्रा लगाएंगे तो
ऊपर लगाएंगे, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम इसे जे, और ज में इस मात्रा को आई की मात्रा कहेंगे, ठीक है। तो देख रहे हो ना क्या कैसे पढ़ा जाता है इसे, ज जे जय। अब मान लो मैंने यहाँ लिखा ग, जब ग में ए की मात्रा लगेगी तो उसे पढ़ेंगे गे। ग में जब आए की मात्रा लगेगी तो इसे पढ़ेंगे गए, ठीक है बच्चों। अब मान लो ल है, ल में ए की मात्रा जोड़ने पर इसे क्या पढ़ेंगे, ले। ल में आई की मात्रा जोड़ने पर इसे पढ़ेंगे लय। अब इस तरह बाकी के वर्णों में ए और आई की मात्रा लगाकर लिखो और पढ़ो, ठीक है बच्चों। अब गृह कार्य का अगला प्रश्न है, दिए गए वर्ग में से अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाओ। अब देखो यहाँ तुम्हें एक वर्ग दिखाई दे रहा होगा, इसमें कुछ अक्षर लिखे हैं। अब इन अक्षरों को हम कहीं से भी जोड़ सकते हैं, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, और उसमें से हम शब्द बना सकते हैं। मैं तुम्हें एक शब्द बनाकर दिखाती हूँ। देखो ये गोल घेरा तुम्हें दिख रहा है, इसमें र पहले लिखा है और शे बाद में है, लेकिन जब हम शब्द बनाएंगे तो शे को पहले लिखेंगे और फिर र, तो ये क्या बन गया, शेर। शाबाश बच्चों, ऐसे ही तुम और भी बहुत सारे शब्द इसमें बनाओ और लिखो। गृह कार्य का अगला प्रश्न है, यदि तुम मेला जाओगे तो वहां से क्या क्या चीजें लाओगे, लिखो। जैसे मैं बताती हूँ, यदि मैं मेला गई तो मैं तो वहां से मिठाइयाँ, गुब्बारे, ऐसी बहुत सारी चीजें लाऊंगी। तुम भी सोचो तुम क्या क्या चीजें लाओगे, उसे लिखो। गृह कार्य का अगला प्रश्न है जो तुम सबको बहुत पसंद आएगा, मेला का चित्र बनाओ, ठीक है बच्चों। जल्दी ही हम अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए तुम घर पर रहो, सुरक्षित रहो।